छत्तीसगढ़ बोर्ड की बात करें, छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम आज आखिरकार इंतजार लंबे इंतजार के बाद जारी कर दिए गए। 10वीं में रायगढ़ की सुमन पटेल और कांकेर की सोनाली ने पहला स्थान हासिल किया है, तो वहीं 12वीं में रायगढ़ की कुंती साव ने टॉप किया। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए शनिवार को 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के ये परीक्षा परिणाम दोपहर 12 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टिकाम ने रिजल्ट जारी किया। 10वीं की परीक्षा में 74.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जिनमें लड़कियों का प्रतिशत 78.84% और लड़कों का प्रतिशत 69.7% रहा। यानी कि एक बार फिर से बेटियों ने यहां पर भी बाजी मारी है। 12वीं की परीक्षा में 79.30% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, इसमें भी लड़कियों का प्रतिशत लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। 10वीं की परीक्षा में कुल 15,983 स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री आए हैं, वहीं 294 परीक्षार्थी ऐसे हैं जिनके परिणाम रोके गए हैं अलग अलग कारणों की वजह से। इनके अलावा 115 स्टूडेंट्स के रिजल्ट नकल प्रकरण के चलते रोके गए। 28 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके परिणाम बाद में जारी किए जाएंगे। 10वीं की मेरिट सूची जो आई है उसमें कुल मिलाकर पूरे प्रदेश से 71 बच्चों ने टॉप 10 में स्थान बनाया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है कि इन 71 बच्चों में एक भी बच्चा रायपुर जिले से शामिल नहीं है। सबसे ज्यादा रायगढ़ जिले के 16 बच्चों ने इस टॉप 10 की लिस्ट में जो मेरिट लिस्ट जारी होती है उसमें जगह बनाई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के जो रिजल्ट है वो यहाँ पर घोषित हो गए। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने जो है रिजल्ट को घोषित किया। हमारे साथ इस वक्त जो है खास बातचीत के लिए शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम है, सीधा उनसे जानेंगे इस बार का सर जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट किस तरीके का रहा है इस बार? नहीं, आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट काफी उत्साहजनक हुए हैं, उत्साहजनक उसमें आए हैं, और जो अपेक्षित रिजल्ट था वो रिजल्ट अभी आया इस बार। लेकिन पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन कराई गई थी, लेकिन जो बच्चों ने एग्जाम दिया है वो ऑफलाइन माध्यम से हुआ है, तो क्या लगता है इसका भी असर दिखा? पिछले साल हम लोगों ने होम टू एग्जाम किए थे, तो बहुत से पेरेंट्स का, बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना था कि अगर ऑफलाइन परीक्षा होते तो हम और अधिक इसमें नंबर आ सकते थे। तो इस साल बच्चों ने जो मेहनत किया है कोरोना काल के बावजूद भी, अगर मैंने मेहनत किया है और अच्छे रिजल्ट भी आए हैं, अच्छे नंबर भी आए हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में जो लोग मेरिट आएंगे उन्हें हेलीकॉप्टर राइड दी जाएगी। मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है उसका पूरा पालन होगा, उसके लिए कार्ययोजना उसमें बनाई जाएगी। उसमें अभी तो आज तो केवल बच्चों का रिजल्ट का आज खुशी है। आज हमारे साथ प्रेम साय सिंह टेकाम शिक्षा मंत्री, जिन्होंने रिजल्ट घोषित करने के बाद अब ये बताया है कि रिजल्ट जो है वो संतुष्टिजनक है, और साथ ही जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि जो 10वीं और 12वीं में जो बच्चे मेरिट आए हैं उन्हें हेलीकॉप्टर राइड जल्द ही दी जाएगी। कैमरामैन गुपेन के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7 रायपुर। इस वक्त रायपुर